हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाबिस। ओके, इस बार भी हम लोग लेट हैं बट कर रहे हैं। ऑलरेडी 33 मिलियन व्यूज हो चुके हैं एक दिन में। दिस इज अ पुलिस कॉप यूनिवर्स एक्चुअली रोहित शेट्टी की, विच इज गोइंग डिजिटल दिस टाइम, विच इज कॉल्ड इंडियन पुलिस फोर्स, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है। यू नो द कॉप यूनिवर्स ऑफ रोहित शेट्टी, लेकिन इस बार ये आने वाली है डायरेक्ट अमेजोन प्राइम में। ये एक सीरीज बनने वाली है, सो डेफिनेटली वो एक्सटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे अबाउट दिस, यू नो, सलमान खान कोलैबोरेटिंग विद सिंघम 3 एंड ऑल दो स्टफ, लेकिन एक नया बंदा ऐड हो चुका है इसमें, दैट इज द फोर्थ कॉप ऑफ द कॉप यूनिवर्स। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और विजिट बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। एंड दिस इज नॉट अ प्रॉपर टीजर, दिस इज अनाउंसमेंट एक्चुअली। अच्छा, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मच। स्वॉट। इतने गोरे क्यों लग रहे हैं ये? वो है भाई, कैमरा very believable. Now filming. For sure it is gonna come out next year only, मेरे हिसाब से। कुछ और है क्या? नहीं है कुछ। नहीं है, वादा तो बहुत बड़ा कर रहे हैं। It is gonna be the biggest Indian web series, action web series. Let's see कि क्या होता है। We are saying with the gunshots. वो गनशॉट्स जो के वो जो यू नो आते हैं ना, इट्स काइंड ऑफ रियल ओनली बट नॉट द ओरिजिनल बुलेट्स, बट यू नो द क्या बोलते हैं उसको, द जो प्लास्टिक के बुलेट्स होते हैं उसको उसको शूट करने से उसी तरीके का इफेक्ट मिलता है, दैट हैज बीन यूज्ड एंड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में उसी तरीके के शॉट्स यूज किए जाते हैं, उसके बाद उसको VFX किया जाता है मेरे हिसाब से। बट या रोहित शेट्टी इज कॉप यूनिवर्स गोना बी वेरी बिग बिकॉज ऑलरेडी 3 है इसमें बड़े बड़े स्टार्स, उसमें से एक यंगस्टर है डेफिनेटली रणवीर सिंह, उसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा। एक्चुअली आई डोंट थिंक, अच्छा कि रोहित शेट्टी ने का जो पाथ पकड़ा है वो बहुत अच्छा है, पुलिस स्टोरीज और पुलिस की जो कहानियाँ हैं उसको लेकर बॉलीवुड में 20-30 साल से स्टोरीज बना जा रही है और फिर भी ख़त्म नहीं होती। क्राइम पेट्रोल ने कम से कम 1.5 डिकेड निकाल दिया स्टोरीज में, और इमेजिन एवरी डे दो दो स्टोरीज एक घंटे के, वो भी वीकडेज में, वीकेंड्स में भी नहीं, तो कभी कभी वीकेंड बोलते थे, तो इतना बड़ा उस पर से हमारे क्या नाम है उसका, CID ने तो पता नहीं, CID ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, जो जिस बंदे ने अपने बचपन में CID देखा था आज उसके बच्चे हैं तो, लेकिन अभी भी साहब वैसे ही हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि there's a lot of content when it comes to police, when it comes to cop world, and when it comes to how police works and how everything works in that. And also aise kuch bada karne se actually mein kya hota hai ki jab aise kuch aap bada karte ho to aap jo much deserving unko jo pride hai jo uniform walon ko wo aap mil jati hai unko wo pride jo unko wapas milti hai wo ek tarah se apni taraf se tribute dena hai to let's see what it turns out to be and I'm expecting to be CT Mar jo crowd puller hai wo to that only hoga hi
रोहित शेट्टी इज ऑल अबाउट दैट ओनली. रोहित शेट्टी से आप लोग कोई सोशल मैसेज या कंटेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट यहाँ पे आई गेस के व्हाट ही इज डूइंग विद डिजिटल मीडिया इज समथिंग बिग, व्हिच आई थिंक यहाँ पे दिख के लग रहा है. एंड दिस इज वन इज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट, बिकॉज इससे पहले अक्षय कुमार ने एक अनाउंसमेंट की थी उनकी, यू नो यू रिमेम्बर, उन्होंने आग लगा के अपने आप पे उन्होंने एक रैंप वॉक किया था, इज वी हैव अनाउंस समथिंग, और वो आने वाला है भी, बट वो बहुत ही बड़ा होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिले होते गया और अभी तक वो वापस नहीं आया. बट स्टिल उस पर उसका उतना हाइप है नहीं. एंड उसके बाद देयर आर मेनी यू नो गाइज लाइक राजन डीके, ही इज कमिंग बैक विद मल्टीपल स्टारर दुलकर सलमान, शाहिद कपूर एंड ऑल द स्टफ डिजिटली. बट मेरे हिसाब से दिस गोना बी वेरी बिग, बिकॉज डेफिनेटली इसमें कैमियोज तो होने वाले हैं ऑल द थ्री स्टार्स जो कि कॉप यूनिवर्स के होंगे. एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऑलरेडी इतनी बड़ी फिल्म दे दी है इंडिया को, दैट इज शेर शाह. उसके बाद से ही उन्होंने सेट किया होगा मैं ऑब्वियसली. एंड आई थिंक उसके बाद सिद्धार्थ का भी जो क्रेज है वो काफ़ी बढ़ चुका भी है, बिकॉज आई थिंक जो लोग सिद्धार्थ को अंडर एस्टिमेट करते थे उनके कुछ परफॉर्मेंसेज की वजह से उसके बाद उनको प्रेज करने लगे. आई थिंक ही हैज गॉन बियॉन्ड Varun Dhawan when it comes to his choices. Definitely. And he is like that from the start. But unfortunately, क्या हुआ कि उनके जो content वाली फिल्में थी जो कि बहुत ही decent फिल्में, वो चली नहीं. उस वक्त उसका market था नहीं. उस वक्त वो फिल्में वैसी कर रहे थे. लेकिन अब उसका मार्केट जब चल रहा है तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि सिद्धार्थ इज गॉन, सिद्धार्थ इज फिनिश्ड. बट वो हुआ नहीं. ही हैव डन अमेजिंग कमबैक. हंसी तो पसी अगर आ जाते तो आज और अच्छे से हिट होती पिक्चर और बेहतर पैसे. आई थिंक आयुष्मान ने सही टाइम पे ये पकड़ा था और आयुष्मान की फिल्में इसीलिए बैक टू बैक हिट हुई. आयुष्मान सिद्धार्थ ऑल कम इन द सेम ट्रैक, उसी तरीके के जॉनर्स चूज करते हैं. But still, let's see, Indian Police Force, with Siddharth gonna be something, but I'm quite excited because Vada bahut bada hai iska. Let's see, let's wait and watch, and definitely we have to wait at least 1 year, mere hisab se. One half year to lag jayega, but jo bhi hai dhamaka hoga, achha. But whatever it is, it's gonna come before Singham 3, for sure, because Singham 3, I think, agle saal plan ho chuki hai, it's gonna come out next year, usse pehle ye aa jayega, mere hisab se, though, so... Yeah. At least 1 year. So yeah, it is good. ऐसा नहीं कि बुरा है. It's a you know announcement type of video. No, it's good. Kind of better than other announcement videos. Let's wait and watch. इसके trending on net. So ये था हमारा reaction Indian Police Force के announcement video के ऊपर, teaser के ऊपर. अगर आपको video पसंद आया तो please like कीजिए, share कीजिए, comment box में बताइए next time किस पर react करें. Also follow us on Instagram. इसके लिए details हमें दिए हैं. This is Mohammad Shavis. Good night. Signing off.